इस तस्वीर ने उन पलों की यादों को ताजा कर दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक हुए थे। वो तो प्रभु थे, उनके सामने नतमस्तक और साष्टांग दंडवत होने पर किसी को अचरज नहीं हुआ। लेकिन एक राजदंड के आगे पीएम क्यों लेट गए, इसे देखकर दुनिया अचंभित है। वैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रकृति और स्वभाव में ही है कि वे हर प्रति व्यक्ति और स्थान का सम्मान करते हैं और उसके सम्मान में ऐसे ही झुकते हैं। पीएम मोदी ने जब पुराने संसद भवन में पहली बार एंट्री ली थी तब भी उन्होंने झुककर प्रणाम किया था। अब जब रविवार को नई संसद भवन का लोकार्पण हुआ और उसे देश को समर्पित किया गया, इस दौरान भी अलग ही नजारा देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अलग अलग मठों से आए अधिनम यानी कि पुजारियों ने पीएम मोदी को सेंगोल यानी राजदंड दिया। राजदंड लेने से पहले पीएम मोदी सेंगोल के सामने झुकते हैं और दंडवत करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद उन्होंने इस राजदंड को नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में स्थापित कर दिया था। आपको बता दें कि इस राजदंड का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है और कहा जाता है कि चेरा राजाओं से लेकर चोल राजवंश तक जाता है। उस दौर में सत्ता परिवर्तन होने पर राजदंड नए राजा को सौंप दिया जाता था। इसलिए भारत की आजादी के वक्त भी आजाद भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को यह राजदंड दिया गया था। लेकिन उन्होंने इसे सत्ता स्थान पर स्थापित करने के बजाय म्यूजियम में रख दिया था, जिसकी जानकारी भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को दी थी। उन्होंने इसके बारे में विस्तार से पीएम ऑफिस को एक पत्र लिखा था जिसमें तमिल परंपरा में सेंगोल के महत्व के बारे में लिखा गया था। आपको बता दें कि राजा के शासन की अवधारणा में छत्र, सिंहासन और सेंगोल तीनों ही अहम स्थान रखते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम ने अपने पत्र में सेंगोल को शक्ति, नीति और न्याय का प्रतीक बताया था। इसलिए कहा जा सकता है कि सेंगोल को शक्ति, नीति और न्याय का प्रतीक मानकर ही पीएम मोदी उसके आगे दंडवत हुई। हालांकि राजनीतिक चश्मे से देखने वाले लोग उसे पीएम मोदी का सियासी कदम बता रहे हैं और तमिलनाडु के चुनाव से लेकर 2024 के चुनाव तक इसे जोड़कर देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि राजदंड को दंडवत करके पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला ये कि उन्होंने दक्षिण भारत को भी साध लिया और दूसरा भारतीय संसद में स्थापित सेंगोल को ईश्वर के समकक्ष ले जाकर उसके महत्व को और बड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।